दोस्तों, मेरी पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने नेक्सस 2.5 के वी का लोड टेस्टिंग आपको दिखाया था कि ये नेक्सस 2.5 के वी का जो अपना पी सी यू है कितना लोड वहन कर सकता है, कितना लोड इस पर हम डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि नेक्सस 2.5 के वी में जो हमारा बैटरी बैंक है, यानी 24 वोल्ट का जो बैटरी बैंक सिस्टम हमारा लगा हुआ है, वह कितना बैकअप ले सकता है, यानी दो बैटरियाँ हमारा कितना बैकअप दे सकती हैं। तो ये सिस्टम लगाए हुए हम तकरीबन एक साल से के आसपास हो चुका है। तो इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि एक साल बाद कैसा नेक्सस 2.5 के वी का परफॉर्मेंस रहता है और इसकी बैटरियाँ कितना बैकअप दे पाती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ, नेक्सस 2.5 के वी का परफॉर्मेंस एंड उसका बैटरी बैकअप। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शर्मा मैक्स सोलर सिस्टम से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे या कुछ मैं आपको सोलर से संबंधित जानकारियां देने में अगर मैं समर्थ रहा हूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं। बैटरी का वोल्टेज जो इन्वर्टर के डिस्प्ले में दिखा रहा है वो 29.3 के आसपास दिखा रहा है, और हमने जो अपना मीटर लगा रखा है उसमें भी समथिंग ये सेम ही दिखा रहा है, 29.4 के आसपास आ रहा है। देखिए, हम अपने मीटर से इसका वोल्टेज चेक कर रहे हैं जो 29.4 के आसपास आ रहा है। अभी हम एक एक करके इसके इनपुट्स बंद करेंगे। सबसे पहले हमने सोलर की एमसीबी बंद की है। सोलर की एमसीबी बंद करने के बाद हमने जो ग्रिड का मेन्स है वो भी बंद कर दिया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमने स्विच है, मेन स्विच है, वो भी हमने बंद किया हुआ है, और अब सारे इनपुट्स इसमें बंद कर दिए हैं। तो चार्जिंग हटते ही बैटरी का वोल्टेज अभी 26 के आसपास आ गया है, और जैसा कि मैं आपको डिस्प्ले में दिखा दूँ कि आप देख सकते हैं कि सोलर पीवी जीरो है, यानी हमने एमसीबी बंद कर दी है सोलर की भी, और सोलर के बाद में जो हमने ग्रिड बंद किया है वो भी आपको डिस्प्ले में दिख जाएगा। तो ग्रिड भी आप देख सकते हैं, ग्रिड भी जीरो वोल्ट पर दिखा रहा है, ग्रिड भी हमने बंद कर दिया है। और आउटपुट अभी जो देख रहे हैं आपको 412 वाट के आसपास में चल रहा है। अभी 4:05 पर हम इसका बैकअप लेना स्टार्ट करते हैं। 4:05 हो रहा है और ये मैं आपको फ़ोन में दिखा रहा हूँ, और इसके बाद हम टाइम इसलिए लगा रहे हैं कि हम इसको देख पाएंगे कि अब हमारा इतने लोड पे कितना बैकअप दे सकता है। तो हमने इसका लोड अभी चालू कर दिया है, और आप जैसा मेरे क्लैम मीटर में देख रहे हैं 5 एम्पियर के आसपास लोड चल रहा है, यानी 1200 वाट के आसपास में यहाँ हमने इस पर लोड डाला है। थोड़ा सा लोड इसका हम अभी बड़ा है, देखिए 1300 वाट के आसपास लोड हो गया। हम लोड को धीरे धीरे करके एक फिक्स लोड पे इसको हम सेट कर देंगे, ताकि हमें अच्छे से बैटरी का बैकअप पता लग जाए कि हमारी बैटरियाँ कितना बैकअप दे रही हैं। तो अभी मैं आपको अपने क्लैम मीटर में दिखा देता हूँ कि 5.4 के एम्पियर के आसपास में लोड चल रहा है। हमने क्लैम मीटर इसके आउटपुट में लगा रखा है ताकि हमें इन्वर्टर के डिस्प्ले से भी पता लगता रहे, इससे भी पता लगता रहे। अब मैं आपको डीसी जो डिस्चार्ज हो रही है बैटरियाँ, डीसी करंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 53 एम्पियर के आसपास में हमारी बैटरियाँ डिस्चार्ज हो रही हैं। तो मैंने आपको दोनों तरह से मैं इसका आपको लोड और इसका एम्पियर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी हमारा जो लोड है वो 1190 वाट के आसपास में, हम 1200 वाट के आसपास में इस लोड को लेकर चलेंगे, और 1200 वाट लोड के बाद में हम इसका ये देखेंगे कि ये बैटरियाँ हमारा कितनी बैकअप दे सकती हैं। तो मैंने डिस्प्ले पे भी, इन्वर्टर के डिस्प्ले पे भी और क्लैम मीटर में भी, मैंने दोनों चीज़ें आपको पैरेलली दिखा रहा हूँ, ताकि इससे आपको सही ढंग से अंदाज़ा लग जाए कि हाँ, ये जो टेस्टिंग हो रही है एक्चुअल टेस्टिंग हम कर रहे हैं। 4:11 हो चुकी हैं, अभी मात्र 6 मिनट इसको बैकअप पर डाला हुआ है। लोड हमारा एज इट इज़ वही चल रहा है, 1190 वाट के आसपास में इसका लोड चल रहा है, और जैसा कि किलोमीटर पर देख रहे हैं तो वही 4.5 एम्पियर 5 एम्पियर के आसपास में लोड वेरी कर रहा है। तो दोस्तों, पुरानी वीडियो में भी मैंने इसका आपको लोड टेस्टिंग दिखाया था, और इस वीडियो में मैं आपको इसका बैटरी का बैकअप दिखा रहा हूँ। अब हम इसका आउटपुट वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं कि आउटपुट वोल्टेज का कितना आ रहा है। हम अपने मीटर से इसको वेरी कर लेते हैं, एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम में कुछ दिक्कत है, तो इस वजह से थोड़ा सही नहीं, इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है मीटर में।
तो जो वोल्टेज आपको मैं बताता हूँ कि एक्चुअल कितनी वोल्टेज में आ रही हैं। दो सौ सत्ताईस वोल्ट हमारी आउटपुट से निकल रही हैं और एम्पियर जैसे मैंने आपको दिखाया था 4.5-5 एम्पियर के आसपास में लोड चल रहा है। अभी जो हमारा पीसीयू दिखा रहा है वो 5.2 एम्पियर का लोड दिखा रहा है, 229 वोल्ट दिखा रहा है, यानी हमारा क्लैंप मीटर और इन्वर्टर की डिस्प्ले दोनों तकरीबन समान ही डाटा दिखा रही हैं। यहाँ एम्पियर में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल रहा है कि पीसीयू में हमारा एम्पियर कुछ ज़्यादा दिखा रहा है और क्लैंप मीटर में थोड़ा सा कम दिखा रहा है। एसी स्टेटस आप देख रहे हैं, बैटरी का वोल्टेज जो है वो 23.2 आ रहा है और बैटरी चार्जिंग नहीं हो रही है। सोलर लोकेट से हमने ऑलरेडी पहले ही बंद कर रखा है। सोलर पीवी आप फिर से देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं कि बिल्कुल बंद है और ग्रिड भी हमने बंद किया हुआ है, यानी चार्जिंग के जो सारे सोर्स हैं वो हमने दोनों कट ऑफ किए हुए हैं और अभी हमारा सिस्टम सिर्फ डिस्चार्जिंग मोड पर ही लगा हुआ है। अभी आप देख रहे हैं 5:01 हो चुकी है, यानी तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो गया है हमारे सिस्टम को चलते हुए। 1164 वाट के आसपास में लोड चल रहा है और आप देख रहे हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो गई है, 194 वोल्ट के आसपास में आ गई है और बैटरी का वोल्टेज भी 22.2 आ चुका है। और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बार बार इसलिए चेक करा रहा हूँ ताकि आपको दिखे कि हाँ हमने सारी चीज़ें अभी ऑफ़ की हुई है, इसमें कोई और सोर्स हमने इनपुट का नहीं दे रखा है। एम्पियर जैसा आप चेक कर रहे हैं 5.35 के आसपास चल रहा है और दोबारा अपन डिस्प्ले पर चेक करते हैं, लोड 1150-1150 के आसपास में आउटपुट वोल्टेज ज़रूर ड्रॉप होना स्टार्ट हो गए हैं। 5:15 का तकरीबन टाइम हो चुका है अभी और हमारा सिस्टम अभी बैटरी पर ही पूरी तरह से चल रहा है। बैटरी वोल्टेज वापस 22 हो चुके हैं, यानी पर बैटरी का वोल्टेज इस समय 11 वोल्ट आ चुका है और बाकी मैं चीज़ें आपको फिर डिस्प्ले पे दिखा देता हूँ कि लोड थोड़ा सा हमारा कम हुआ है, 1100 वाट के आसपास में ही चल रहा है अभी। सिस्टम ने बैटरी लो का बीप दिया है, टाइम देखते हैं कितना हुआ है। तो 5:15 फ्रेंड्स सिस्टम ने लो बैटरी का बीप देना स्टार्ट कर दिया है और इस समय जो बैटरी जो आउटपुट वोल्टेज है वो और डाउन होके 184 आ चुका है और बैटरी का वोल्टेज रह चुका है 21.8 वोल्ट। तो अभी हमारा सिस्टम बैटरी लो का साइन दे रहा है और जैसा कि आप देख पा रहे थे कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमारा ड्रॉप हो चुका है। 5:15 का टाइम हुआ है अभी। अब हम अपने मीटर से भी बैटरी के वोल्टेज चेक कर लेते हैं, पर बैटरी का वोल्टेज अपन चेक कर लेते हैं। एक बैटरी का वोल्टेज इस समय 11 आ रहा है और दोनों बैटरी का वोल्टेज तकरीबन समान ही आ रहा है। अब हम दोनों बैटरियों का एक साथ वोल्टेज देखते हैं तो 22.26 वोल्ट अभी क्लैंप मीटर से बैटरी का वोल्टेज दिखा रहा है। सिस्टम पे देखते हैं, सिस्टम पे वोल्टेज आ रहा है 21.7 जो बैटरी का वोल्टेज है और 5:30 बज चुके हैं। सिस्टम हमारा बीप के साथ में अभी भी ऑन है और हम सिस्टम के डिस्प्ले पर नज़र डालते हैं तो बैटरी का वोल्टेज आ गया है 21.6 बैटरी का वोल्टेज है, सिस्टम बीप दे रहा है और जो आउटपुट वोल्टेज है वो डाउन होके आ चुका है 181 और हमारा लोड भी 1100 वाट से थोड़ा कम हुआ है। हम डिस्प्ले पे और अभी नज़र डालते हैं बाकी पैरामीटर्स पर। बैटरी का वोल्टेज 21.6, आउटपुट 180 हो चुका है, लोड अभी भी 1100 वाट के आसपास ही चल रहा है, यानी 1062 वाट के आसपास लोड दिखा रहा है। 5.9 एम्पियर डिस्प्ले शो कर रही है। पाँच बज के 38 मिनट हो चुके हैं और सिस्टम को हमारे बैकअप लेते हुए बैटरी का वोल्टेज 21.4। अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ, आउटपुट कितना चल रहा है। आउटपुट में हमारी वोल्टेज जो है वो 179 रह चुकी है, आउटपुट वोल्टेज बैटरी का वोल्टेज 21.4 के आसपास। ये देखिए आप, लोड भी हमारा थोड़ा सा 1050 वाट के आसपास में आ चुका है और आउटपुट
वोल्टेज भी वहीं 179 रह चुकी है। बैटरी वोल्टेज के साथ साथ में आउटपुट वोल्टेज भी ड्रॉप कर रहा है। 5:46 हो चुके हैं और इस समय आप देख रहे हैं कि बैटरी धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। 21 वोल्ट के आसपास बैटरी आ चुकी है। 5:48 बैटरी का वोल्टेज 20.9 यानी 21 वोल्ट से डाउन हो चुका है। 20.9 के आसपास में बैटरी अभी हमारी आ रही है। सिस्टम हमारा लगातार बीप कर रहा है लेकिन सिस्टम अभी तक बंद नहीं हुआ है। सिस्टम का आउटपुट अभी चालू है, बीप सिस्टम हमें बार बार दे रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि कितना देर बीप करते हुए सिस्टम कब तक बंद होता है। तो मेनली जब सिस्टम बंद हो जाएगा तब हम इसका एक्चुअल बैकअप निकाल पाएंगे कि भाई हमारा दो बैटरियों ने इतने लोड पर हमारा इतना बैकअप दिया है। बैटरी का वोल्टेज अभी भी 20.9, हमारा लोड थोड़ा सा कम हुआ है इसलिए बैटरी का वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा है। और मैं भी आपको दिखाता हूँ लोड हमारा कितना चल रहा है इस समय। 5:51 हो चुकी हैं। बैटरी का वोल्टेज 21-20.9 के बीच में झूल रहा है और लोड जो है हमारा 973 वाट के आसपास यानी 1000 वाट के आसपास आ चुका है। और वहीं जो आउटपुट वोल्टेज है वो 177 वोल्ट ही रह गई हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे सिस्टम अब बैटरी बिल्कुल डीप डिस्चार्ज की तरफ जा रही हैं कि जब सिस्टम हमारा ऑफ होने वाला है। बैटरी का वोल्टेज 20.8 के आसपास रह चुका है। ये सिस्टम हमारा बंद हो चुका था 5:52 पे। हमने लोड कम करके सिस्टम को वापस रीस्टार्ट किया है और अब लोड कम करने के साथ में ही हमारा सिस्टम वापस से चलने लग गया। बैटरी वोल्टेज अब अप दिखा रही है, 22.4 वोल्ट के आसपास में बैटरी वोल्टेज दिखा रही है। और लोड मैंने आपको दिखाई दिया कि 400 वाट के आसपास में लोड हमारा इस समय चल रहा है। तो 5:52 पे हमारा सिस्टम 1100 वाट का जो लोड चल रहा था उसके हिसाब से उसने सिस्टम ने ऑटोमेटिक शटडाउन ले लिया था। अभी हम लोड कम करके वापस सिस्टम को चला रहे हैं। सिस्टम में बीप आना भी बंद हो चुका है और बैटरी वोल्टेज भी इसकी बढ़ चुकी है। 22.3 बैटरी वोल्टेज हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि लोड 450 के आसपास में। अभी हमें इस सिस्टम को बैकअप पर डाले हुए पूरे 2 घंटे हुए हैं जिसमें से ये सिस्टम हमारा 1:45 के करीब चला है 1200 वाट लोड पे और अभी ये हाल फिलहाल चल रहा है 550-600 वाट के लोड पे। तो एक बार ऐसा हुआ था कि 20.8 वोल्ट पे जब 1200 वाट का लोड चल रहा था तो सिस्टम ने बीप तो काफ़ी देर से दे ही रहा था तो सिस्टम रीसेट हो गया था। उसके बाद जैसे ही हमने लोड कम किया तो अभी सिस्टम फिर वापस से स्मूथली चल रहा है अभी। तो बाकी हमने इसका मेनली जो 1200 वाट पे जो लोड टेस्ट था वो तो हम कर ही चुके हैं इसको अभी। तो अमूमन हमारे पास में 2 घंटे का बैकअप 1200 वाट में आया है यानी 2 बैटरी हमारी 1 साल करीब पुरानी और 2 घंटे का बैकअप अभी ये दे रही हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।